घर के बाहर या गार्डन में आराम से बैठने पर आपने कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि काश मुझे यहाँ कोई खजाना मिल जाए। लेकिन दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको बेहद अजीब चीजें अपने घर के बाहर मिली। बॉम्ब से लेकर खूब सारे धन तक आज मैं आपको 10 बेहद अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ। कर्स्ट कैश। 2011 में इलिनॉय का रहने वाला एक बेरोजगार आदमी जिसका नाम वेन सबाज है, वो अपने घर के पीछे बोई हुई गोभी को काटने जा रहा था। उसको वहाँ कुछ हरा हरा दिखाई दिया, लेकिन वो कोई गोभी नहीं थी बल्कि वो तो $1.5 लाख कैश थे। लेकिन गोभी की खेती में इतना पैसा आया कहाँ से, इसके बारे में तो वेन को भी नहीं पता था। इसके बाद वेन ने सही काम किया और वो सारा पैसा पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। और पुलिस ने उनको कहा कि अगर 2012 तक इन पैसों को कोई क्लेम नहीं करता है तो ये पैसा उनको वापिस दे दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद वेन की एक बुजुर्ग पड़ोसी ने उनको कहा कि वो पैसा उनका था और उन्होंने उसे इसलिए फेंका क्योंकि वो श्रापित है। बेशक अप्रत्यक्ष रूप से वो वेन से पैसे वापिस मांग रही थी, लेकिन मांगने के अगले दिन ही वो बुजुर्ग महिला मर गई, जिसके बाद वो सारा पैसा उसकी बेटी को देने का निर्णय लिया गया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें से 10% वेन को भी दिया जाएगा। लेकिन पैसा लेने के 10 दिन बाद ही वेन की भी मौत हो गई। अब मेरा सवाल बस ये है कि क्या वो पैसा सच में श्रापित था या फिर ये मात्र संयोग है। नंबर 9, रोमन विला। विल्टशायर इंग्लैंड के रहने वाले ल्यूक अपने घर के बाहर गार्डन में एक इलेक्ट्रिक केबल बिछा रहे थे ताकि उनके बच्चे अंधेरा होने पर भी टेबल टेनिस खेल सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी मिट्टी हटाई तो उन्हें वहां ये मिला। उन्होंने तुरंत इसकी फोटो खींचकर पुरातत्व विभाग को भेजी और अगले दिन ही पुरातत्व विभाग वाले उनके घर आ गए। और इसके बाद पता चला कि ल्यूक के घर के नीचे पूरा एक विला बना हुआ है जो रोमन सभ्यता का है और इसी खोज को इंग्लैंड की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। इसके बाद ये पाया गया कि ये विला तकरीबन 2100 साल पहले बना होगा। पुरातत्व विभाग को वहां शाही बर्तन, सिक्के और जानवरों की हड्डियां मिली। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इस घर के मालिक बहुत अमीर हुआ करते थे। नंबर 8, $10 मिलियन। सच कहूं तो हर कोई ऐसा सोचता होगा कि काश उनको भी कभी कोई खजाना मिल जाए, लेकिन जाहिर सी बात है हम सिर्फ सोच सकते हैं, सोचने का तो कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन नवाडा में रहने वाले एक जोड़े के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इस जोड़े ने खुद की पहचान दुनिया से अब तक छुपा रखी है ताकि खजाना खोजने वाले लोग इनके पास ना जाएं। 2013 में जब वो अपने घर के बाहर अपने कुत्ते को घुमा रहे थे, तब उनका कुत्ता हल्का होने के लिए सही जगह ढूंढ रहा था। और जब कुत्ता अपना काम कर रहा था, तभी लड़के की नजर एक जंग लगे हुए कैन पर गई। धरती से बाहर निकालने के बाद उनको उस डब्बे में कई सोने के सिक्के मिले। घर ले जाकर उन्होंने हर सिक्के को अच्छे से चेक किया और ये पाया कि ये सिक्के किसी ने बेहद संभाल कर रखे थे। इन सभी सिक्कों पर एक ही सन लिखा हुआ था और वो था 1890। इसके बाद जोड़े को 8 और ऐसे ही कैंस वहां मिले। वैसे तो इस सोने की कीमत $27,000 थी, लेकिन इनकी ऐतिहासिकता देखते हुए इनकी कीमत $10 मिलियन सामने आई। नंबर 7, क्रिएचर्स। नवंबर 2014 में एरिक और उसके पड़ोसी गार्डन में घूम रहे थे और तब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ है जो धरती से बाहर आ रहा है। पहले उनको लगा कि उन्होंने डायनासोर की हड्डियों को खोजा है, लेकिन वो गलत थे। बाद में हड्डियों पर जांच की गई और पता चला कि वो हड्डियां बेहद पुराने जानवर मैस्टरडन की थी। जिस वैज्ञानिक ने इन हड्डियों की जाँच करी, उन्होंने बताया कि इस हड्डी पर कुतरने के निशान भी थे, मतलब कोई इन हड्डियों को खाने की कोशिश कर रहा था। नंबर 6, बॉम्ब्स। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को सही से रहने की जगह भी नहीं मिल पा रही, जिस वजह से बिल्डर्स ने फ्लोरिडा के ओरिलैंडो क्षेत्र को भी रिहायशी बनाने की सोची। लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि जिस जगह पर वो घर बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में वो जगह एक बॉम्बिंग रेंज हुआ करती थी और वहां रहने वाले हर घर के मालिक को उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं बॉम्ब्स जरूर मिले। और अगर मोटे आंकड़ों की बात करें तो 300 से ज्यादा लोग पुलिस स्टेशन अपने साथ बॉम्ब्स लेकर शिकायत करने पहुंचे। इसके बाद आर्मी ने एक बड़े पैमाने पर क्लीनअप का काम शुरू किया। इसके अलावा आज भी कई बॉम्ब्स इसी जमीन में दबे हुए हैं, ना जाने वो कब बाहर आ जाए। नंबर 5, एलियन। 2015 में कैलिफोर्निया की रहने वाली एक महिला जिसका नाम जियाना था, उनको अपने घर के आंगन में बेहद अजीब जानवर मिला। उसको नहीं पता था कि वो क्या है,
इससे पहले उसने आसमान में अजीब लाइट्स उसके घर के ऊपर देखी थी, जिस वजह से उसका शक और ज्यादा बढ़ गया और उसे लगा कि ये तो कोई एलियन है। उन्होंने इसकी फोटो को इंटरनेट पर डाला, दुनिया से पूछा कि ये क्या है। वहीं ज्यादातर लोगों ने इसे एक एलियन ही माना, लेकिन बाद में सच दुनिया के सामने आया कि ये एक हिरन का अजन्मा भ्रूण था और वो अजीब लाइट्स उस दिन हो रहे मिसाइल टेस्ट की थी। नंबर 4, गोल्ड एंड मेटियोर। बेशक कैलिफोर्निया में सोना निकालने का काम 18वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी कई बार सोना यहाँ लोगों को मिल ही जाता है। और 2011 में एक आदमी अपने घर के गार्डन में मेटल डिटेक्टर लेकर घूम रहा था, वहीं उसे लगभग 3 किलो का एक सोने का टुकड़ा मिला। ये इतना बड़ा सोने का टुकड़ा बाद में $460,000 में बेचा गया। साथ ही उस आदमी ने कहा कि वो अपनी पहचान छुपाए रखना चाहता है ताकि और लोग उसके घर के आंगन में खुदाई करना चालू ना कर दें। वहीं एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि और भी सोना उसके घर के आसपास दबा हो सकता है। इसके साथ ही बोस्निया में रहने वाले एक आदमी ने दुनिया को कहा कि उस पर एलियंस ने अटैक कर दिया है, क्योंकि एक ही समय में 6 उल्कापिंडों ने उसके घर पर हमला कर दिया। किस्मत से उसने सभी पत्थरों को अपने घर के आसपास से ढूंढ निकाला और हर पत्थर को 1500 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेचा। साथ ही आपको बताता चलूं, एक आधा टन वजनी उल्कापिंड दुनिया के सामने बिकने आया, जिसे $3.4 मिलियन में खरीदा गया। नंबर 3, बिल और स्केलेटन। मेरी इस लिस्ट में सभी लोग लकी हैं, किसी को खजाना मिल रहा है तो किसी को खूब सारा धन, लेकिन कैनफोर्ड और निकोल को कुछ अजीब मिला। कैन जब अपने गार्डन में खुदाई कर रहे थे तो उनको वहां कुछ हड्डियां मिली। उनको लगा कि ये किसी जानवर की होंगी, जिसके बाद उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी पत्नी निकोल ने उनको सभी हड्डियां बाहर निकालने को कहा और जब खुदाई करी तो उनको वहां एक महिला का पूरा कंकाल मिला, जो लगभग 400 साल पहले वहां दफनाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने उनके गार्डन को सील कर दिया ताकि पुरातत्व विभाग के लोग खुदाई करके कुछ और ढूंढ सकें। कमाल की बात यहां ये थी कि सरकार ने उनके घर के आसपास खुदाई तो कर डाली, लेकिन वापस उस जमीन को ठीक करवाने के लिए कैन को ही अपनी जेब से $5,000 का बिल भरना पड़ा। उसका ये नुकसान बच सकता था अगर उसने अपनी पत्नी को पहले इग्नोर किया होता। नंबर 2, वीड। कैलिफोर्निया के रहने वाले मैक रीड अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे थे और ये काम करने के दौरान उनको अपने घर के साइड में एक छोटा सा दरवाजा दिखा, जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और जब वो अंदर गए तो उनको एक हरे बैग में मैरिजुआना और हैश नामक वीड मिली। उसे नहीं पता था कि इसकी क्या कीमत होगी, जिसके बाद वो डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जिस भी ड्रग डीलर की ये होगी वो इसे वापस लेने जरूर आएगा, जिसके बाद उसने सही काम किया। जी हाँ, उन्होंने पुलिस को बता दिया। लेकिन जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने कहा कि वो अभी बिजी हैं, तुम खुद बैग लेकर आ जाओ। बेचारे मैक पहले ही डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वो इस बैग को अपनी गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बीच में होने वाली चेकिंग में वो खुद ड्रग स्मगलिंग के आरोप में फंस जाएंगे। इसके बाद उन्होंने पुलिस के आने का वेट किया और जब पुलिस आई और बैग उनको दिया तो मैक ने खुद ही एक पोस्टर उस कमरे के बाहर लगा दिया, जिसमें लिखा था कि इस जगह पर पुलिस की निगरानी है। नंबर 1, फरारी। बहुत से बच्चे अपने घर के गार्डन में जगह जगह खुदाई करते रहते हैं, लेकिन वहां उनको खुदाई करने पर कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन 1978 में लॉस एंजलिस के दो बच्चों को 1974 डीनो 246 GTS फरारी मिली। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, एक असली फरारी उनको वहां मिली। बाद में पुलिस को बुलाया गया और उन सब ने मिलकर फरारी को बाहर निकाला। और बाद में पुलिस ने बताया कि इस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट 4 साल पहले लिखवाई गई थी और शायद चोरों ने ही इसे यहां धरती में दबाया होगा। बाद में मालिक को बुलाया गया और मालिक ने कार इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम किया, लेकिन बाद में कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ये सब किया ही इंश्योरेंस के लिए था। मालिक ने चोरों को पैसा दिया था कि वो उनकी कार चोरी कर ले, जिससे बाद में वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, लेकिन चोरों ने उसे धोखा दे दिया और उसे बताया ही नहीं कि उन्होंने उसकी कार कहां छुपाई है। आपको अपने घर के आसपास क्या मजेदार मिला, मुझे बताना बिल्कुल न भूलें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, मैंने एक दूसरा चैनल भी बना लिया है और उस पर भी हफ्ते में 2 वीडियोस कम से कम जरूर आएंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।